नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और फिर से नई वीडियो में। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल एडवेंचर विद विनोद को। इस चैनल पर ऊपर ना स्प्लेंडर की वीडियो मतलब बहुत पहले आई थी, तो उसके बाद बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है फिर से। तो ये स्प्लेंडर के अंदर बहुत बढ़िया अपडेट हुआ है, कुछ आपको दिख भी रहा होगा, कुछ मैं आपको बता भी दूंगा। तो इसके अंदर ये अपडेट हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल मेरे पास खड़ी है 2023 की मतलब एथेनॉल वाली जो स्प्लेंडर प्लस आती है ना, वो खड़ी है। एक्सटेक नहीं है, नॉर्मल वाली स्प्लेंडर है, जो स्टैंडर्ड वाली स्प्लेंडर आती है ना, वही वाली है। तो अभी इसके अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ 2023 में। तो अभी सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें फ्रंट में ना मेरे सामने जो है इसकी ग्राफिक्स ही सबसे पहले मेन अट्रैक्शन है, जो कि इसका ग्राफिक्स चेंज हुआ है। तो ग्राफिक्स देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पे रेड ब्लू और वाइट मतलब पुलिस वाला जो थोड़ा सा लाइटनिंग वाला इफेक्ट होता है ना, वो वाला कलर ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको तीन कलर ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हीरो का 3D लोगो मिलेगा और ये फुल ब्लैक वाले बटन के ऊपर ये वाला ग्राफिक्स बनाया हुआ है। तो ये तीन कलर ऑप्शन बहुत पहले भी आता था, लेकिन अभी इसके अंदर ना पहले ये रेड और ब्लू आता था अभी तो, लेकिन वाइट भी ऐड हो गया है, जैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक का कलर निकल कर आ रहा है। बैक साइड से जो कि पहले जैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। पहले वाली हेडलाइट है, पहले वाली हेडलाइट वगैरह इसमें देखने के लिए मिल जाती है, हाइलोजन बल्ब्स ही हैं सारे कुछ। और बैक साइड से इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ये इसका होने वाला है लेफ्ट साइड से पैनल, लेफ्ट साइड से देख सकते हो सारा कुछ करीब करीब ग्राफिक्स का पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ पे अब हीरो का यहाँ पे ब्लैक वाला मतलब ये ब्लैक कलर कर दिया, लोग इसको कस्टम अपने आप करते थे, इसको अब इन्होंने खुद ही कर दिया है ब्लैक में। यहाँ पे आपको ये मीटर देखने के लिए मिल जाता है, चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और ये इसका सिंपल वाला मीटर है, ज़्यादा कुछ में चेंज नहीं है। E20 मिलता है इसके अंदर देखने के लिए, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 8 लीटर की मिल जाती है। ये इसके बटन्स होने वाले हैं सारे के सारे, और इधर भी सिंपल एकदम सेल्फ वाला सिर्फ बटन दे रखा है। ये इसकी होने वाली है फ्रंट से लुक, तो फ्रंट से लुक देख लीजिए। फ्रंट से लुक यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलता है ऊपर हेड के ऊपर देखने के लिए। यहाँ हेड के ऊपर आपको एक स्टिकर मिलता है पुलिस वाले ग्राफिक्स का और हीरो स्प्लेंडर की ब्रांडिंग और फुल ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में वाइजर। और ये आपको फ्रंट का टायर मिल जाता है ट्यूबलेस सिल्वर अलॉय के साथ विद IBS डबल ब्रेकिंग सिस्टम IBS वाला, और इसमें आपको वही पुराना वाला 180/18 वाला टायर देखने के लिए मिल जाता है। रिफ्लेक्टर मिलेंगे यहाँ पे, बाकी नंबर प्लेट यहाँ बिल्कुल सॉलिड एकदम मेटल वाली दे रखी है, पहले वाली जो आती थी वही है अभी इस टाइम। सर ग्राफिक्स जो है ये मेन ग्राफिक्स चेंज हुए हैं इसके। इंजन की बात करें तो इंजन इसमें 97.2 cc का वही पुराना वाला इंजन मिलता है, जो कि अपनी जो इसकी पावर थी 8000 RPM वाली वही अभी भी ये चल रही है। इसमें जो आपको पावर वगैरह वो सेम ही मिलती है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ सर कलर ऑप्शन आपको चेंज मिलेगा। तो एक बार आप ओवरऑल लुक देख लीजिए, ये सारा इसका ओवरऑल लुक होने वाला कलर देख लीजिए।